दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं एक धोबी घाट में खड़ा हूं, मेरे सामने या कपड़े ही कपड़े हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं धोबी घाट में नहीं हूं, एक लॉन्ड्री में हूं और यहां पे ऑनलाइन कपड़ों की धुलाई होती है। यह है ऑनलाइन लॉन्ड्री। अब ये ऑनलाइन लॉन्ड्री क्या है और इसका बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और बता दूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी नहीं है तो आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके आप ऑनलाइन लॉन्ड्री अपनी शुरू कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ज़्यादा इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए मेरे साथ अश्विन अग्रवाल हैं, जो कि फाउंडर हैं देसी लॉन्ड्री के और वो बेस्ड हैं नॉर्थ बंगाल के शहर सिलीगुड़ी में। तो मैं आज उनसे बात करूँगा और ये जानूंगा कि ऑनलाइन लॉन्ड्री का बिज़नेस कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अश्विन ये बिज़नेस पिछले 3 साल से कर रहे हैं। तो चलिए उनसे करते हैं मुलाकात। अश्विन जी, सबसे पहले ये बताइए कि हमने लॉन्ड्री के बारे सुना है, धोबी घाट यू नो ट्रेडिशन हमने सुना है, लेकिन ये जो ऑनलाइन लॉन्ड्री ये क्या चीज़ होती है और इसका बिजनेस कैसे करते हैं, आप थोड़ा ये बताइएगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। पुराने ज़माने में कभी लोग सोच नहीं सकते थे कि लॉन्ड्री बिजनेस या ड्राई क्लीनिंग बिजनेस कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, घर बैठे लोग अपने मोबाइल से एक बटन दबाकर हमारा सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। उनको क्या करना है, अपना डिटेल्स डालना है, हमारा बंदा उनके घर पे जाएगा, पिकअप करेगा और 72 आवर्स से 84 आवर्स के अंदर कपड़ों को प्रोसेस करके चमका कर बैग में डालकर बढ़िया से उनको डिलीवर कर देगा डोर स्टेप पे। अच्छा, यानी कि डोर से आप लेंगे कपड़े और वहीं पे उनको सप्लाई करेंगे। तो ये जो ऑनलाइन लॉन्ड्री कंसेप्ट है, क्या इसको मतलब किसी ऐप के थ्रू कपड़े बुक किए जाते हैं या फिर कैसे कस्टमर्स आप तक पहुंचते हैं? ये बहुत ही नॉर्मल प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप से भी लोग इस सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। और हमारा देसी लॉन्ड्री का खुद का एक वेब एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है और हमारा वेबसाइट भी है जहाँ से लोग अपने सर्विसेज को बुक कर सकते हैं। तो ये जो देसी आपने ये जो बिज़नेस है ये छोटे शहर सिलीगुड़ी में स्टार्ट किया, एनजेपी में स्टार्ट किया, तो इसका जो क्या ऐसे बिज़नेस का स्कोप क्या बॉम्बे दिल्ली जैसे शहरों के अलावा क्या छोटे शहरों में भी है जो आपने बिज़नेस को स्टार्ट किया, और कब स्टार्ट किया आपने? मैंने स्टार्ट किया सिलीगुड़ी में। हमारा प्रेजेंस अभी सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी और बिरपड़ा तक पहुँचा हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए अश्विन जी, जैसे कोई अगर एक नया एंटरप्रेन्योर है वो लॉन्ड्री का बिज़नेस करना चाहता है तो उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इस बिज़नेस में? हमारा बिज़नेस एक कलेक्शन पॉइंट अगर कोई शुरू करना चाहता है तो वो बहुत ही मिनिमम एक इन्वेस्टमेंट जैसे 1.5 लाख रुपये से वो अपना बिज़नेस शुरू कर सकता है। लेकिन वहीं अगर लाइव लॉन्ड्री कोई करना चाहे, जहाँ पे उनके स्टोर पे ही हम लाइव मशीन्स लगाएंगे जहाँ कस्टमर्स आकर देखेंगे उनके कपड़े कैसे वॉश हो रहे हैं। और इसका बिजनेस के चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि आप पिछले 3 साल से ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं जो फेस करने पड़ते हैं अगर कोई इस तरीके की ऑनलाइन लॉन्ड्री सेटअप करता है? क्या लोग इसके बारे जानते हैं, जागरूक हैं, और कितना दिक्कत उनको अवेयरनेस क्रिएट करना? देखिए, इनिशियली तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था लोगों को ये समझाना कि हम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमेशा से ट्रेडिशनली सबकॉन्शियस माइंड में ये रहा है कि मुझे स्टोर में जाकर ही कपड़े देने हैं, वहाँ पे वेट करना है, पर्ची काटनी है, 7-8 दिन 10 दिन वेट करना। तो ये उनको एजुकेट करना पहला बात तो एक बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट था, लेकिन उसके बाद जब बिज़नेस आने लगा, बहुत अच्छा काम चलने लगा, तो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अच्छा स्किल्ड मैन पावर इस इंडस्ट्री में लैकिंग है। उसके बाद क्या है, हम डेली बेसिस पे जब कपड़े वॉश करते हैं तो हमें कपड़ों में स्टेन्स एडिशनली हम लगा देते हैं या कपड़े फट जाते हैं प्रोसेसिंग के दौरान, तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आप महीने का 1 से 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो और फिर एक टर्नओवर एक लीटर इन्वेस्टमेंट उसको करना पड़ेगा पहले, इन्वेस्टमेंट तो स्टार्टिंग में 1 लाख। हाँ, तो अगर आप महीने का 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में तो आप महीने का तकरीबन 40,000 रुपया कमा सकते हैं, इस बिजनेस से निकल जाएगा। बिजनेस का कोई लिमिट नहीं है, आप 40 क्यों, 1 लाख रुपया भी कमा सकते हैं। करेक्ट, किसी बिजनेस देन स्काई इज द लिमिट। और अगर आप अश्विन जी से ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन लॉन्ड्री का बिजनेस करना चाहते हैं तो उनका नंबर हमारी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, वो आपसे बिल्कुल बात करें, उन्हें फ़ोन करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको मिलेगी। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, आप चाहते हैं कि हम आप तक पहुँचे तो वो बिल्कुल हम करते हैं, हमारा नंबर भी स्क्रीन पर दिया गया है। और ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही बिजनेस की जानकारियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, दीजिए मुझे इजाज़त।